हेलो दोस्तों, मैं हेमंत। आज मैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर इंजन का टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ, और उसी के साथ साथ आपको PDF फाइल कैटलॉग लेकर के आया हुआ हूँ। तो उसमें आपको स्टॉक के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और इंजन का डीजल सप्लाई जो है वो उसका टॉपिक आपको मिल जाएगा उसमें। तो उससे होगा क्या कि आपको सारे डाउट जो हैं इंजन फिटिंग के, स्पेयर पार्ट के, इंजन के और पिस्टन के, लाइनर के, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे सारे। और उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थ्योरी टॉपिक भी देखेंगे, और उसमें दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश का। तो ये आप देख रहे हैं, ये लाइनर को फिट करेंगे। पहले इसको खोला हुआ था, अब इसमें नए लाइनर फिट करेंगे। फिट करने से पहले उसमें स्लिप के जो ओरिंग होते हैं वो उसमें फिट करेंगे, और उसके बाद इसकी लाइनर जो है वो फिट करेंगे। तो वो आप देख ही रहे हैं, सब आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें पिस्टन के जो रिंग है वो सेट करने के बाद उसको फिटिंग करेंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं लाइनर फिट किस तरह से किया जाता है। और लाइनर में ट्यूब लगाने के बाद इसको फिट किया जाता है। तो एयरटाइट जो ट्यूब आता है, दोनों ट्यूब आते हैं, उनको मिक्स करने के बाद ये लाइनर में लगाने के बाद इसको फिट किया जाता है, ताकि ये ओरिंग जो है ओरिंग में अच्छी तरह से मिक्सअप हो करके ये सेट हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि ऑयल और पानी जो है एक दूसरे आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से फिट किया जाता है। लाइनर को फिट करने के बाद ये आप देख रहे हैं पिस्टन का कनेक्टिंग और पिस्टन और रिंग, ये ऑयल में सेट करने के बाद ये इनको फिट किस तरह से किया जाता है। ये इसमें एक पिस्टन में तीन रिंग दिए हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी इंजन अच्छे से वर्क कर पाता है हमारा। तो आप ये देखेंगे कि पिस्टन को किस तरह से फिट किया जाता है। ये सभी पीस में ऑयल लगाने के बाद और रिंग में ऑयल लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से फिट किए जाते हैं। ये दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर 475 ओल्ड मॉडल का जो इंजन है वो आप देख रहे हैं। तो ये नॉर्मल जो ओल्ड मॉडल का ट्रैक्टर होता है तो उसमें फिटिंग कुछ इस तरह से होती है। इसमें ये जो पिस्टन है ये ओल्ड मॉडल वाला ही आप देख रहे हैं इसमें, और न्यू मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कि इसमें चारों पिस्टन जो है, सभी पिस्टन जो है वो ओल्ड मॉडल के ही हैं, नॉर्मल पिस्टन जो है वो इसमें फिट हुए हैं। तो वो आप देख सकते हैं इसमें पिस्टन चेंज नहीं किए हैं, इसमें केवल लाइनर और ओरिंग, ये जो ओरिंग है और ये रिंग सेट है जो वो ही चेंज किए हैं इसमें।
हम्म।